So hello and welcome everyone to yet another episode from Learner Hub Experiment Series. आप सभी सोच रहे होंगे आज के इस एक्सपेरिमेंट सीरीज में आखिरकार क्या खास है, तो चलो हिंट देता हूँ। आज हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करेंगे जिसके थ्रू वाटर पास करता है या मूव करता है थ्रू द सेल्स। So any guesses what we shall be demonstrating today? It's osmosis. Well, I'm sure आप सभी ने osmosis के बारे में तो जरूर सुना होगा and even पढ़ा भी होगा। तो क्या आपको पता है कि osmosis की इस process को आप demonstrate कर सकते हो एक simple से experiment के through and that too with items जो कि आपके kitchens में easily available होते हैं। तो आज हम मिलकर बनाएंगे एक potato osmosis को, जिसको आप खुद भी घर पर try कर सकते हो और surprise कर सकते हो अपने friends and family members को। तो तैयार हो सभी लोग? वेल देन, देर किस बात की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। हमें चाहिए वन लार्ज पोटैटो, एक चॉपिंग बोर्ड, सम वाटर, सम सॉल्ट टू प्रिपेयर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अ नाइफ, अ स्पून, अ फूड कलर, टू पिंस एंड अ ग्लास बोर्ड। तो चलिए बिगिन करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। सबसे पहले हम इस पोटैटो को एक क्यूबॉइड शेप में कट करेंगे और उसके अंदर एक छोटी सी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कैविटी को कार्व आउट करेंगे। एक्सेस पील को भी हम यहां से इस तरीके से रिमूव कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें एक परफेक्टली कार्व्ड पोटैटो मिल गया है जो कि क्यूबॉइड शेप का है। अब इसके अंदर हमें एक कैविटी बनानी है, छोटी सी कैविटी जो कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो सकती है। अब इसको निकालने के लिए हम इसको इस तरीके से बाहर की तरफ पुश आउट करेंगे या कार्व आउट करेंगे। तो इसके लिए हम चाहें तो इस नाइफ की ही मदद ले सकते हैं या फिर हम एक स्पून की मदद भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम स्पून के पीछे वाले एज से ना इसको इस तरीके से कट करके बाहर निकाल सकते हैं। हमें इन वॉल्स को डीपली स्क्रेप करना है, बट याद रखिएगा स्क्रेपिंग करते टाइम हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी वॉल जो है वो कहीं पर भी ब्रेक ना हो, मतलब इनको स्क्रेप करते टाइम कहीं पर भी हम वॉल में कोई होल पंच ना कर दें या फिर एक होल पोक ना कर दें। हमें याद रखिए इन वॉल्स को जितना पतला हो सके उतना पतला बनाना है। तो देखिए यहां पर हमने किस तरीके से इस क्यूबॉइडल पीस ऑफ पोटैटो में एक छोटी सी रेक्टेंगुलर कैविटी को कार्व आउट किया है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैविटी जो है वो अच्छी खासी डीप है, राइट? और हमने ध्यान दिया है कि इसकी वॉल्स को स्क्रेप करते समय हमने कहीं पर भी इसकी वॉल्स को पंक्चर नहीं किया, राइट? सो अब हम इसके अंदर फिल करेंगे एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसको कि अब हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो ये हमारा एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप अब रेडी हो चुका है, राइट? अब इसको हम आगे यूज करेंगे इन दी एक्सपेरिमेंट। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बनाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसके लिए मैंने इस पेपर कप में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे काफ़ी सारा सॉल्ट टू मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर मैं इस स्पून की मदद से इसमें ऐड करने जा रहा हूँ काफ़ी सारा सॉल्ट, जिसकी वजह से ये बन गया है अब हाइपरटोनिक। तो ये बन गया है बच्चों एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रेडी है। अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक ग्लास बोल जिसमें हम ऐड करेंगे कुछ पानी। सो यहां पर हम वाटर ऐड कर देंगे। अब इस वाटर में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ताकि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर पाए। तो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पिंच ऑफ फूड कलर, एडिबल फूड कलर ऐड कर देंगे। यहां पर ये लिया है मैंने थोड़ा सा फूड कलर, जिसको कि हम यहां पर ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी ये हमने प्रिपेयर कर लिया है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो हमारा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अब रेडी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। तो अब इस ग्लास बोल जिसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्लेस्ड है, इसमें हम प्लेस करेंगे या डिप करेंगे अपने इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप को। तो ये हमने अपना पोटैटो ऑस्मोस्कोप प्लेस कर लिया है इस पर्टिकुलर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब यहाँ इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप की कैविटी में हम पोर करेंगे
हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को प्लेस करने जा रहे हैं, और प्लेस करने के बाद इसके इनिशियल लेवल को, यानी कि कितने लेवल तक हमने इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप की कैविटी में पानी या फिर ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन है इसको प्लेस किया है, उसको मार्क करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिन। तो इसको हम यहाँ पर एक पिन की मदद से इसके इनिशियल लेवल को मार्क कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक पिन को इंसर्ट कर दिया है। सो दिस इज माई इनिशियल लेवल। तो इनिशियल लेवल को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ पिन। अब हम इस एपरेटस को अराउंड 30 मिनट्स के लिए ऐसे रेस्ट करने छोड़ देंगे, और देखेंगे कि 30 टू 40 मिनट्स के बाद इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप के अंदर प्रेजेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लेवल में क्या चेंज आता है। तो जब तक हमारा ये एपरेटस रेस्ट करने रखा है, मैंने सोचा आप ही से पूछूं कि क्या लगता है, क्या आपको कोई सिग्निफिकेंट राइज या फॉल देखने को मिलेगा इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लेवल में। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं थोड़ी ही देर बाद। तो अराउंड 30 से 40 मिनट्स के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारे इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप की कैविटी में प्रेजेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप देखोगे इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, वो यहाँ पर आपको लाइट ऑरेंज कलर का देखने को मिल रहा है, जिसका कलर लगभग मैच कर रहा है विद द वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मोर ओवर आप देखोगे आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का लेवल था वो इंक्रीज कर गया है, उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है, जिसको हम इस रेड कलर की पिन से मार्क करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो लेवल है वो अब इस लेवल पे आ गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इन दो पिंस के लेवल्स में डिफरेंस है, इसका मतलब आपका जो फाइनल वॉल्यूम है ऑफ द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो इंक्रीज किया है। एंड ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? डेफिनेटली ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये सराउंडिंग वाटर जो कि एक्चुअली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि यहाँ पर अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, वो इस पोटैटो वॉल के थ्रू पास करके एंट्री लेंगे इनटू दिस पोटैटो ऑस्मोस्कोप की कैविटी में, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो इधर फिल्ड था इस कैविटी में उसके लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो एंटर किए हैं इनटू द कैविटी ऑफ द पोटैटो ऑस्मोस्कोप, और इस वजह से आपको राइज देखने को मिला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लेवल में। और याद रखिएगा यहाँ पर जो पोटैटो वॉल के सेल्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब हम डिस्क्राइब एंड डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से, बोले तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बोले तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एंड दैट टू थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब तक ही एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, दैट इज अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। सो दिस इज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को, जिसमें डिस्कस किए हुए एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुझे लगता है आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा और जाना होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद से भी घर पर ट्राई करोगे और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करोगे। सो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए फॉलो करते रहिए लर्नो हब को, बिकॉज लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।